अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, एक ट्रैक्टर सहित 13 मोटरसाइकिल को किया जब्त, 14 लाख कीमत बताई जा रही। करैरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के मार्गदर्शन में SDOP GD शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया के द्वारा कस्बा क्षेत्र में हो रही संपत्ति संबंधी वारदातों को रोकने के लिए टीम गठित की। कस्बे में बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे रोकने और वाहन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय हुई, अपनी मुखबिर तंत्र को अलर्ट कर वाहन चोरों की तलाश की। इसी तारतम्य में पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिल्लारपुर और कलोथरा के कुछ युवक, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लगातार वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना पर आधार गठित कर टीम के द्वारा आरोपी वाहन चोर जयराम उर्फ असगर राजा उर्फ बहरा लोधी पुत्र सुंदरलाल निवासी राजावान थाना खनिया थाना हरिमत उर्फ अल्लू पुत्र हुकुम सिंह लोधी उम्र 24 साल निवासी सिल्लारपुर थाना करैरा भगवत पुत्र हुकुम सिंह लोधी उम्र 31 साल ग्राम सिल्लारपुर मोहित उर्फ गोलू विश्वकर्मा पुत्र नरेंद्र विश्वकर्मा उम्र 17 साल निवासी कलोथरा थाना करैरा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने आए। कड़ी पूछताछ की तो कई वाहन आरोपियों के द्वारा चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों से एक ट्रैक्टर कीमत 6 लाख रुपए, 13 मोटरसाइकिल कीमत 8 लाख रुपए, कुल कीमत 14 लाख बरामद हुए। वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। सर, ये मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा है, इसका क्या मामला बताएं सर पूरा? पिछले 2 महीनों से करैरा कस्बे में लगातार वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी, जिससे पुलिस भी थोड़ा परेशान थी। इसको हमने प्राथमिकता पे लिया, जो पुराने वाहन चोर थे, संपत्ति संबंधी अपराधी थे, सबसे हमने पूछताछ की और हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भी हमने सक्रिय किया। हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की। इसी तारतम्य में हमें सूचना मिली कि सिल्लारपुर और कलोथरा के कुछ लड़के इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिनका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है आपराधिक। तो उस पे से हमारे टीम ने उन लड़कों को राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की और बहुत मेहनत करके उन्होंने 13 वाहन और एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया है। इसमें एक ट्रैक्टर झांसी का भी है, जो खनिया दाना में रखा हुआ है, और इस गैंग के अभी कुछ लड़के और फरार हैं, जो झांसी और दीगर इलाकों के लोगों को लाके यहाँ घटनाएं करते हैं, उनको भी हमने टारगेट पे रखा हुआ है। और उम्मीद है कि शीघ्र हम और वाहन जब्त करेंगे और एक और बड़े गैंग का पर्दाफाश करेंगे। कितने लोग पकड़े थे अभी तक? अभी इसमें 4-5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, उनका भी PR लेके और पूछताछ कर रहे हैं, और जो अन्य नाम सामने आए उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके और वाहनों को बरामद करें। ठीक।